हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजड। हाँ तो गाइस, प्रभास अन्ना सर का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाला है डायरेक्टर मारुति सर के साथ होने वाला है, तो काफी लोग जितने भी प्रभास अन्ना सर के डाई हार्ट फैन है, न्यूट्रल फैन है, भाई सब काफी लोग कंफ्यूज लग रहे हैं, एक्साइटेड लग रहे हैं कि एक्चुअल में ये किस टाइप की मूवी होने वाले है। उसी के साथ साथ इसके फर्स्ट लुक के लिए कंफ्यूज लग रहे हैं, इसके टाइटल के लिए कंफ्यूज लग रहे हैं कि क्या हो सकता है, उसके रिलीजिंग टाइम के लिए लग रहे हैं कि भाई सब क्या होने वाला है, कितने टाइम पर होने वाला। मुझे मैसेज कर रहे, कमेंट कर रहे कि हर्ष भाई प्रभास सर के अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता दो, यानी कि डायरेक्टर मारुति सर के साथ क्या कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो गाइस अपन सबके बारे में बात कर लेते, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते गाइस, कल आप लोगों को पता है कल आफ्टरनून में इसी टाइम मैंने एक वीडियो शेयर किया था जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डायरेक्टर मारुति के साथ जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसका जो फर्स्ट लुक है और उसका जो टाइटल है वो डिले कर दिया गया है। वो जो अपने को देखने को मिलेगा दिस पोंगल, यानी कि 15 जनवरी के दिन देखने को मिलेगा। मैंने ये सारी चीज कल के वीडियो में कवर अप कर दी थी, लेकिन गाइस काफी लोग इसके रिलीजिंग टाइम के लिए लेकर है कि भाई सब क्या होने वाला है और डायरेक्टर मारुति ऐसा क्या प्लानिंग कर रहे हैं। और गाइस अभी कुछ ही देर पहले मूवी की टीम की तरफ से एक पोस्टर शेयर किया गया, अब ये ऑफिशियल है अनऑफिशियल आई डोंट नो, लेकिन गाइस देखने में काफी आउटस्टैंडिंग लगा है, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। हाँ तो गाइस यहाँ पर आपको एक मुर्गा देखने को मिल रहा होगा, देख ले आप, मुर्गा है जो कि आपको इजिली देखने को मिल रहा है। वहां पर अपने को प्रभास द वेंटेज डार्लिंग, तो जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई साहब ये जो फर्स्ट लुक आने वाला काफी यूनिक होने वाला है मेरे लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से अपन प्रभास अन्ना सर को बस एक्शन ही कैरेक्टर में देख रहे हैं। आफ्टर बाहुबली के बाद सारे एक्शन कैरेक्टर में ही देख रहे हैं, बाहुबली देख ले आप, साहो देख ले, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा डार्लिंग मतलब राधे श्याम में देख ले, थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का लुक देखने को मिला है। लेकिन गाइस अगर देखा जाए ना तो यहां पर मेरी पॉसिबिलिटीज ये लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां पर डायरेक्टर मारुति जो डायरेक्शन करने वाले हैं विद प्रभास के साथ, तो यहां पर अपने को उनका एक रोमांटिक कैरेक्टर दिखाई देने वाला है, उसमें थोड़ा सा एक्शन भी दिखाई देने वाला है। मतलब कि होता है ना, जैसे प्रीवियस में काफी मूवी आई है काजोल के साथ काफी आई है, तो काजोल अग्रवाल के साथ आई है, तो उस टाइप की मूवियां लग रही है कि एक्शन और रोमांटिक टाइप का, थोड़ा सा फैमिली टाइप का मूवी होने वाला है ये जो मूवी। और अगर गाइस मैं उसके रिलीजिंग डेट की बात करूं, अगर मैं उसकी एग्जैक्ट रिलीजिंग की बात करूं फर्स्ट लुक की और उसी के साथ साथ टाइटल अनाउंसमेंट की, प्रोबेबली यार, तो फिर तो देखो टाइटल अनाउंसमेंट हो रहा है तो प्रॉपर एक वीडियो के साथ होगा, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, काफी तगड़ा देखने को मिलेगा, वो भी प्रभास अन्ना सर का फर्स्ट लुक की। अगर मैं रिलीजिंग टाइम की बात करूं तो मॉर्निंग का बताया जा रहा है 15 जनवरी को, 15 जनवरी को मॉर्निंग में 7 to 8 AM का, यानी कि 7:08 पे मॉर्निंग को देखने को मिलेगा। मतलब कि आप सुबह उठो और उठते से ही भाई सब तबाही देख लो अपने प्रभास अन्ना सर की, डायरेक्टर मारुति सर की। और गाइज अब इस प्रोजेक्ट के लिए जितना एक्साइटमेंट है ना उतना एक्साइटमेंट बढ़ा दो, मतलब एक हद होती है ना, होता है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा दो, क्योंकि यहां पर मारुति सर किसी को मतलब उदास ही नहीं करने वाले हैं। और एक्साइटमेंट इस बात का भी है भाई साहब, इसका लुक किस टाइप का होने वाला है, प्रभास अन्ना सर का कैरेक्टर किस टाइप का होने वाला है, हेयर कट कैसा होने वाला है, बियर्ड लुक किस टाइप का होने वाला है, स्टोरी लाइन कैसी क्या होने वाली है, एक्शन होने वाली है, थ्रिल होने वाली या फिर रोमांटिक होने वाली है। लेकिन एक्साइटमेंट काफी बनता है क्योंकि प्रभास अन्ना सर की मूवी है। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं, प्रभास अन्ना सर अब डायरेक्टर मारुति सर के साथ आने वाले हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ, जिसका जो ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट होने वाला है, फर्स्ट लुक आने वाला है 15 जनवरी को मॉर्निंग में 7:08 पर आने वाला है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है डायरेक्टर मारुति सर के बारे में, इस मूवी के बारे में क्या लगता है, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में याद से बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको भी इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।